यहाँ पे सिंपल सा ये है, हेलो, सबसे पहले क्वाड्रेटरल है, उसी में सबसे पहला हम लोग पढ़ रहे हैं आपका पैरेललोग्राम। पहला हम दिखाते हैं हम लोग इस तरह से शॉर्ट में, इस सब पे बताया गया है ना, पैरेललोग्राम को ऐसे दिखाते हैं पैरेललोग्राम को, ठीक है। अब यहाँ पे ये है कि पैरेललोग्राम का डेफिनेशन क्या होगा, एक ऐसा क्वाड्रेटरल जिसमें अपोजिट साइड सब पैरेलल हो। पैरेललोग्राम में नाम ही में पैरेलल यहाँ पर आया है, तो यहाँ पे इन विच सीक्वेंस लिखते हैं, शॉर्ट में लिखते हैं, इन विच ऑपोजिट साइड्स आर पैरेलल, ऑपोजिट साइड्स आर पैरेलल, ये साइन दिया पैरेलल का, ठीक है ना, जिसमें विपरीत दिशा क्या हो, विपरीत भुजा समांतर हो बस। अब बात यहां कि समांतर जब होगा तब तो इक्वल भी हो जाएगा, सिंपल सा बात है, ठीक है ना, समांतर जब होगा तो क्या होगा, इक्वल भी हो जाएगा। वो पैरेललोग्राम उसे कहते हैं जिसका ऑपोजिट साइड्स क्या हो, पैरेलल हो, यानी कि ये पैरेलल इससे हो गया और ये पैरेलल इससे हो गया। और आपको पता है कि पैरेलल का साइन किसे दिखा देते हैं, वो डायग्राम में याद है किसी को, जैसे मान लो इक्वल दिखाना था तो ये डैश क्या हुआ, इक्वल हो गया, दिखाना है पैरेलल का साइन तो एरो दिखा दी, ये एरो इधर जा रहा है, एरो इधर जा रहा है, तो क्या ये साइड क्या हो गया, पैरेलल हो गया। अब बात की जा रही है यहाँ पे ऑपोजिट साइड्स की, तो सिंपल सा मतलब ये है कि आपका ये साइड जो होगा ये इससे पैरेलल हो गया और ये भी साइड क्या हुआ, इससे आपका पैरेलल हो गया। अब देखो, अब समझो कि जहां जहां पे ये प्रॉपर्टी लागू होगा वो सबको क्या कहेंगे, हम पैरेललोग्राम कहेंगे, चाहे रेक्टेंगल में हो, चाहे स्क्वायर में हो, चाहे रोम्बस में हो, चाहे ट्रेपेजियम में हो, जहां पे भी मान लो ऐसा ये प्रॉपर्टी सिर्फ है, उसका डायगोनल बाइसेक्टर कर रहा है कि नहीं कर रहा है, उसका एंगल 90 डिग्री है कि नहीं, उससे कोई मतलब नहीं है। एक ड्रॉ किया रेक्टेंगल मान लो सिंपल सा ये, ठीक है ना, पूछा क्या ये पैरेललोग्राम है, रेक्टेंगल चलो बोल दिया, यहाँ पे पैरेललोग्राम है क्या, हमको बस क्या देखना है, वहां पे देखना है कि ये लाइन इससे पैरेलल है कि नहीं है और ये लाइन इससे पैरेलल है कि नहीं, अगर ऐसा है तो वो पैरेललोग्राम है। इसका हिंदी में नहीं होता है समांतर चतुर्भुज, हिंदी वाले लिख लेना, ठीक है ना, समांतर चतुर्भुज ये हो गया आपका, ठीक है। अब ये तो हो गया डेफिनेशन, मान लो सिंपल सा प्रॉपर्टी से अंदर क्या क्या आ जाएगा जब अगर पैरेललोग्राम होता है। अब यहाँ पे बात है कि अगर पैरेललोग्राम होता है, अगर पैरेललोग्राम होता है तो प्रॉपर्टी क्या क्या यहाँ पे होगा, प्रॉपर्टी यहाँ पे क्या क्या होगा, गुण क्या क्या होगा, प्रॉपर्टी यहाँ पे क्या क्या हो जाएगा, ठीक है। अगर मान लो कोई भी क्वाड्रेटरल में, कोई भी चतुर्भुज में अगर मान लो अपोजिट साइड पैरेलल होता है, अगर ऐसा हो कंडीशन कि ये इससे पैरेलल हो जाए और ये इससे पैरेलल हो जाए, तो उस चतुर्भुज में कुछ कुछ प्रॉपर्टीज है जो हमेशा होगा, ठीक है ना। जैसे पहला नंबर आपका है कि ऑपोजिट साइड आर इक्वल, ऑपोजिट साइड आर क्या होगा आपका, इक्वल होगा, ऑपोजिट साइड आर इक्वल। ध्यान देने वाली बात यहाँ पे ये है कि यहाँ पे ऑपोजिट साइड्स लिखे हैं, ठीक है ना, मतलब यहाँ पे ये है कि ये इससे पैरेलल हुआ और ये इसका भी होना जरूरी है, ऐसा नहीं कि सिर्फ एक ही साइड पैरेलल हुआ, उल्टा साइड दोनों साइड लेके चलेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पे है कि अगर ऐसा हो तो ऑपोजिट साइड क्या होगा, इक्वल होगा, ठीक है, विपरीत भुजा क्या होगी, बराबर होगी, विपरीत भुजा। हिंदी में लिखना होगा क्या जी विक्रम, ये समझ में आ जाएगा, रिमी सही आ जाएगा ना। अच्छा ये तो हो गया इक्वल होगा, मतलब क्या हुआ यहाँ पे, जो बोले थे मैथमेटिक्स के टर्म में लिखने के लिए, मतलब यहाँ पे ये हुआ बाबू, मतलब यहाँ पे ये हुआ कि ए बी का मान जितना होगा वही मान किसका होगा आपका, डी सी का मान होगा, और साथ ही साथ एंड साथ ही साथ ए डी का मान जो होगा वही मान किसका होगा आपका, डी सी का मान होगा, ठीक है ना। आप इसको याद मत रखो, नहीं इसको याद जरूर रखना आपको इस चीज को। अब यहाँ पे क्या है, ऑपोजिट एंगल अभी यार इक्वल होगा, ऑपोजिट एंगल, एंगल इसमें क्या होता है, ए एन जी एल ई, ऑपोजिट एंगल आर इक्वल, ठीक है ना, ठीक है। मतलब क्या हो जाएगा यहाँ पे कि एंगल ए का मान हो जाएगा एंगल सी से बराबर,
और एंगल बी का मान हो जाएगा एंगल डी के बराबर। जितना भी चीज पैरेलोग्राम होगा उसमें सब ये सब लागू होगा। अब बताइए डायगोनल से बात आती है, डायगोनल से डायगोनल क्या होगा? डायगोनल कहते हैं ए से सी मिलाने वाले लाइन को, बी से डी मिलाने वाले लाइन को डायगोनल कहते हैं, ठीक है ना। अब यहां पे ये लिख रहे हैं कि डायगोनल, ध्यान रखिएगा, डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर। याद कैसे करना है इसको, डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर, ठीक है ना। मतलब यहां पे हुआ, मतलब यहां पे डायगोनल प्ले कर देते हैं ड्रॉ, ए से सी मिला दी लाइन एक ठो और बी से डी मिला दी लाइन यहां पे, यहां पे और बाइसेक्ट कर रहा है। मतलब ये हुआ, मतलब ये हुआ कि ए ओ बराबर हो जाएगा ओ सी एंड बी ओ बराबर हो जाएगा आपका ओ डी। अब इस चीज को ध्यान दो, यहां पे कोई भी पैरेलोग्राम जब पूछते हैं क्या रेक्टेंगल, क्या रेक्टेंगल में डायगोनल बाइसेक्ट करता है, तो यस करता है। कैसा करता है ये पता हूँ, हाँ जो होता है सो वो नहीं होना चाहिए। क्यों होना चाहिए? क्योंकि हम जान रहे हैं कि पैरेलोग्राम का प्रॉपर्टी है डायगोनल बाइसेक्ट करता है, मतलब कि ए ओ बराबर ओ सी और बी ओ बराबर ओ डी, ठीक है ना। पैरेलोग्राम में जरूरी नहीं कि आपका डायगोनल इक्वल होगा। यहाँ पे एक लाइन स्टॉप करके लिख लो, डायगोनल नीड नॉट टू बी इक्वल, मतलब कि एकदम नहीं होगा ऐसा नहीं कह रहे हम, जरूरी नहीं कि डायगोनल वहां पर आपका बराबर होगा। सो इसमें पैरेलोग्राम में स्टार देकर लिखना इसको, अभी बाद में यहां से बताइए आप लोग। यहां लिखा हुआ कि डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर, यानी कि ए ओ बराबर ओ सी और बी ओ बराबर ओ डी लिखा हुआ है। अब जितना भी पैरेलोग्राम होगा, जितना का पैरेलोग्राम होगा, रेक्टेंगल पैरेलोग्राम है कि नहीं है, है, उसमें प्रॉपर्टी काम करेगा। आप हम लिख सकते हैं वहां पर स्क्वायर काम करेगा उसमें, रोम्बस काम करेगा उसमें, ठीक है ना। तो जहां पे भी ये प्रॉपर्टी होगा वहां पे वो काम करेगा, ठीक है ना, चाहे रोम्बस हो, चाहे स्क्वायर हो, चाहे रेक्टेंगल आपका हो। सिर्फ ये नहीं, जितना सब प्रॉपर्टी पैरेलोग्राम का है वो सारा का सारा इस पे काम करेगा। किसमें जी? दूसरा पैरेलोग्राम जो पढ़ेंगे, रेक्टेंगल पढ़ेंगे मान लो, ये हो गया। उसके बाद यहां पे क्या है, उसके बाद यहां पर है एडजेसेंट एंगल। सम इज 180 डिग्री। आप लोग विक्रम पूरा नहीं लिखना है इंग्लिश में, तो सिर्फ इतना लिखो, ये सब जो लिख रहे हैं ना, ये सब ध्यान दो में आप लोग, ये सब जो लिख रहे हैं ना, ये सब लिखो सिर्फ, ठीक है। तो पूरा नहीं लिख रहे हो यहाँ, तो ये जो लिख रहे हैं सब मैथमेटिक्स में जो लिख रहे हैं ना, इसको लिखो। अब इसका क्या लिखेंगे हम लोग? एडजेसेंट एंगल किसे कहते हैं जी? बगल वाला, ठीक है ना। जैसे ए का एडजेसेंट कौन सा हो सकता है? बी भी हो जाएगा और ए का एडजेसेंट बी भी हो जाएगा, ठीक है ना। बी का एडिशन कौन सा हो जाएगा? सी भी हो जाएगा, बी का एडिशन ए भी हो जाएगा, बगल वाला जिसको बोलते हैं। बी और डी का रिलेशन क्या हुआ? ये हो जाएगा ऑपोजिट एंगल हो जाएगा, ठीक है, जो यहाँ पे लिखे थे कि ऑपोजिट एंगल आर इक्वल, मतलब कि एंगल ए का जो मान होगा वो एंगल सी के मान के बराबर होगा, एंगल बी का मान जो होगा वो एंगल डी के मान के बराबर होगा। यहाँ बोल रहे हैं कि एडजेसेंट एंगल सम इज 180 डिग्री, यहाँ वो यही बोल रहे हैं ना। मतलब कि एंगल ए प्लस एंगल बी को तुम जोड़ोगे बाबू, एंगल ए प्लस एंगल बी को जोड़ो कितना हो जाएगा? 180 हो जाएगा। या फिर एंगल ए प्लस एंगल डी को तुम भी जोड़ोगे कितना हो जाएगा? वो 180 हो जाएगा। उसी तरह से सब चीज होगा, तुम एंगल सी प्लस एंगल डी को जोड़ो कितना हो जाएगा? 180। एंगल सी प्लस एंगल डी को जोड़ो कितना हो जाएगा? 180। बाकी इसके अंदर बहुत सारा प्रॉपर्टी और घुसा हुआ है, जैसे मान लो, ध्यान देना एक बार यहाँ बोर्ड में पहले, जैसे क्या प्रॉपर्टी घुसा हुआ है जी? आप जानते हैं कि ये लाइन पैरेलल हो गया इससे, पैरेलोग्राम है ना जी, पैरेलोग्राम है, ये आपका एक ट्रांसवर्सल लाइन का काम कर रहा है। तो जितना एंगल ये वाला होगा वही एंगल आपका ये वाला होगा, होगा ना, बहुत प्रॉपर्टी है यहाँ पर है। तो ये सब नहीं लिख रहे हम, ये तो हम लोग देख के समझते हैं। यहाँ और लिखो पांचवा नंबर में,
पांचवा नंबर में यहाँ पे लिखना है। सर बोलिए, भी सब क्या बोल रहे हैं, एक मिनट रुकिएगा, बोलिए सर। सप्लीमेंट्री एंगल और एडजेसेंट एंगल में क्या अंतर है? सप्लीमेंट्री एंगल होता है कि किसी भी दो एंगल को जोड़ के 180 होना चाहिए, चाहे एक एंगल यहाँ रहे और एक एंगल मान लो यहाँ रहे, उससे मत, ठीक है ना। एडजेसेंट होता है कि बगल वाला, समझे ऋषभ बाबू? जैसे मान लो, मान लो, नहीं नहीं कर सकते उसको, मान लो ये कर सकते हो कि एडजेसेंट एंगल समी सप्लीमेंट्री, ये यहां लिख सकते हैं, ठीक है ना। सप्लीमेंट्री का मतलब होता है कि दो एंगल को जोड़ के 180 होना। यहां पे हम ये लिख सकते हैं कि सम ऑफ एडजेसेंट एंगल इज सप्लीमेंट्री, ठीक है। 180 की जगह क्या लिख सकते हैं हम लोग? सप्लीमेंट्री। सप्लीमेंट्री का मतलब ये होता है कि दो एंगल को जोड़ के 180 होना, ठीक है ना। अब वो दो एंगल, एक वो यहां रहे, एक यहां रहे, एक यहां रहे, मान लो इसे यहां पर क्या किए, ये किए डायग्राम बना दिए, ठीक है ना, डायग्राम बना दिए। एक एंगल यहां था, एक एंगल यहां था, ये था मान लो 70 डिग्री, ये वो 110 डिग्री, ठीक है ना। यहां ये भी बोल सकते हैं द सम ऑफ, मान लो इसका एंगल का नाम है ए, इस एंगल का नाम मान लो डी है, या बोल सकते हैं द सम ऑफ एंगल ए एंड डी इज आर सप्लीमेंट्री। जैसे मान लो द सम ऑफ एंगल ए एंड डी इज 180 डिग्री बोल सकते हैं ना जी। यहां ये भी बोल सकते हैं सम ऑफ एंगल ए एंड डी आर सप्लीमेंट्री। एडजेसेंट का मतलब ये होता है कि ठीक उसके बगल में, और हर जगह एडजेसेंट एंगल 180 होगा जोड़ के, जरूरी नहीं है ये। मान लो हम डायग्राम ऐसे दिए हुए हैं, कोई डायग्राम मान लो ऐसा दिया हुआ, मान लो ये हो गया मैं डायग्राम, मान लो यहां पे एंगल बन रहा है, यहां पे एंगल बन रहा है, ये दोनों एडजेसेंट एंगल ही होगा। अब मान लो यहां पे 70 डिग्री है और ये मान लो 120 डिग्री है, तो क्या सप्लीमेंट्री हुआ दोनों जोड़ के? नहीं हुआ। एडजेसेंट का मतलब अलग चीज होता है, वो होता है एकदम ठीक बगल वाला एंगल। जैसे हम यहां खड़े हैं, मैं इधर भी आदमी है, इधर भी आदमी है, मेरा बगल कौन सा होगा? इधर भी हो सकता है, इधर भी हो सकता है, ठीक है ना। एडजेसेंट आता है तो पैरेललोग्राम है ये। पैरेललोग्राम का एडजेसेंट एंगल 180 डिग्री देगा सम हमको, ठीक है। अब यहां पे इसको खत्म करूं, ये वाला खत्म कर रहे हैं और ये खत्म कर रहे हैं। समय ऋषभ? यस सर। इसको लिख लिए उसी तरह से, यहाँ तो लोग भर लेना था एंड सो वन, ठीक है। एंड सो वन मतलब समझ रहे हो क्या हुआ? सो एंड सो वन मतलब ये हुआ कि एंगल सी प्लस एंगल 180, एंगल सी प्लस एंगल भी 180, एंगल डी प्लस एंगल 180, ठीक है। अब आता है यहाँ पे एक और यहाँ प्रॉपर्टी इसका है, ईच डायगोनल बाइसेक्ट द पैरेललोग्राम, ईच डायगोनल बाइसेक्ट द पैरेललोग्राम। मतलब क्या हुआ कि अगर ये पैरेललोग्राम है तो अगर मान लो ये डायगोनल की बात करते हैं ए सी, मान लो ये डायगोनल उठा दिया अभी, ठीक है ना, जितना इसका जगह होगा, जितना एरिया इसका होगा, वो एरिया इसका होगा, बाइसेक्ट मतलब कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा सीधा से, ठीक है ना। ये ट्रायंगल जो बन रहा है ना ए डी सी, वो ट्रायंगल किससे कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा आपका? ए बी सी से, कोई पैरेललोग्राम में, ठीक है। चाहे वो पैरेललोग्राम रेक्टेंगल हो, चाहे वो स्क्वायर हो, चाहे खुद एक पैरेललोग्राम ही हो, चाहे वो रोम्बस हो, या फिर मान लो अगर इधर से डायगोनल ड्रॉ करते हैं, इधर से हम ये वाला डायगोनल ड्रॉ किए मान लो हम, तो अब आप ट्रायंगल जो आपका ये वाला बन रहा है आपका ए डी डी, और आपका ट्रायंगल बन रहा है बी सी डी, ये सब आपस में क्या होगा? दोनों कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा, ठीक है ना। तो हम यहाँ लिख देते हैं, ठीक है ना, यहाँ लिख देते हैं, ठीक है ना। तुम मान लो चलो ट्रायंगल ए बी डी कॉन्ग्रेंट हो गया, ट्रेंगल एबीडी कॉन्ग्रेंट किससे हो गया जी? सी बी डी से, ए बी डी ट्रेंगल कॉन्ग्रेंट हो गया, सी डी बी लिखो, सी डी बी से। या फिर एक और जो साइड यहां डायगोनल भी हो रहा है ना, या फिर एंड ट्रेंगल ए बी सी, ए बी सी कॉन्ग्रेंट हो जाएगा ट्रेंगल ए डी सी से, यहाँ पे क्या हम लोग ये पढ़े हैं क्या कि डायगोनल बाइसेक्ट करता है 90 डिग्री पे? ध्यान दो इस बात को पहले,
इस पैरेलोग्राम में कहीं लोग पढ़े क्या डायगोनल यहाँ पे 90 डिग्री को बाइसेक्ट कर रहा है इसको, हम लोग सिर्फ ये पढ़े कि डायगोनल बाइसेक्ट करता है, ये पढ़े ना कि काटता डायगोनल दूसरे को, यानी कि ये जितना लंबा होगा वही लंबाई इतना ही होगा, ये पढ़े ना जी, जितना लंबा ये होगा यहाँ से यहाँ वही लंबा यहाँ से यहाँ होगा, कितने एंगल पे काट रहा है उससे मतलब नहीं है यहाँ पर, इसमें पैरेलोग्राम में। अब क्या होगा, अच्छा हम लोग ये पढ़े क्या कि सभी एंगल यहाँ पे 90 डिग्री होते हैं, क्या हम लोग ये पढ़े यहाँ पर कि सभी साइड्स आपस में बराबर होते हैं, यहाँ से क्या पढ़े कि ऑपोजिट साइड्स बराबर होते हैं, ये वाला हिस्सा इससे बराबर होगा, ये हिस्सा इससे बराबर होगा, तब जैसे जैसे हम आगे पढ़ेंगे तो ये सब प्रॉपर्टी होने के बाद भी, ध्यान देना हम क्या बोल रहे हैं, ये सब प्रॉपर्टी होने के बाद भी कुछ कुछ नया प्रॉपर्टी इसमें इंक्लूड हो जाए, कुछ कुछ नया गुण इसमें आ जाए, तब इसका नाम हम चेंज कर देते हैं, बात समझे। जैसे कोई और डायग्राम हम बनाए, कोई और फिगर हम बनाए हैं, उसमें ये सारा प्रॉपर्टी है, अगर ये सारा प्रॉपर्टी है तो पैरेललोग्राम हो जाएगा, अब सारा प्रॉपर्टी छोड़ो, अगर सिर्फ ये प्रॉपर्टी आपका है, सिर्फ ये वाला, अगर हम आगे बनाते हैं, ध्यान से हम क्या बोल रहे हैं, अगर कोई डायग्राम आगे हम बनाते हैं, कोई और चित्र हम बनाए आगे जाके, ठीक है ना, उसमें क्या देखे हैं कि उसमें भी इस तरह से है कि ऑपोजिट साइड्स क्या है, पैरेलल है, ये हिस्सा इससे पैरेलल हो गया, चलिए सर मान लो यही जो बोर्ड आपके सामने लगा हुआ है ये उसी तरह का डायग्राम मान लो है, यहाँ पे हम क्या देखे हैं कि नीचे वाला जो हिस्सा है ऊपर वाले हिस्से से पैरेलल है, बराबर है कि नहीं हमको मालूम नहीं है, हम यह देख रहे हैं कि पैरेलल है, फिर क्या देखे हैं कि इधर वाला हिस्सा भी क्या है उस तरह से पैरेलल है, तो ये पैरेललोग्राम हो गया। अब जब पैरेललोग्राम हो गया तो इसमें सबसे पहला गुण जो आपका है ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल, इस बोर्ड में हो जाएगा, लंबाई माप कर देख लो यहाँ से यहाँ तक आपको बराबर हो जाएगा। दूसरा यहाँ देखेंगे हम ऑपोजिट एंगल आर इक्वल, यानी कि ये एंगल जो होगा यहाँ पे इस कोने पे जो एंगल होगा वही कोना उस कोने पे एंगल बराबर आपका हो जाएगा। तीसरा क्या है, डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर, यानी कि हम लेके लकड़ी लेके मान लो मापेंगे या सुत्ता या रस्सी से मापेंगे, मान लो यहाँ से यहाँ धागा लगाएंगे मान लो वहां तक, ठीक है ना, वही धागा बराबर किससे होगा, यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक है ना, नहीं डायगोनल बराबर नहीं है, डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर है, बाइसेक्ट करेगा, ठीक है ना। अगर ये आपका पैरेललोग्राम तो हो गया ना, तो आपका यहाँ से यहाँ धागा और वहां से वहां धागा लगाएंगे तो बीच में यहाँ पे कटिंग होगा, तो ये हिस्सा और उधर का हिस्सा क्या वापस में बराबर होगा, इधर का हिस्सा और इधर का हिस्सा क्या वापस में बराबर होगा, साथ ही साथ डायगोनल जरूरी नहीं कि इक्वल होगा, सो जो जो डायगोनल हम खींचेंगे वो जरूरी नहीं कि वो बराबर होगा। फिर क्या रखेंगे हम, चौथा प्रॉपर्टी आपका एडजस्टमेंट एंगल समय 180 डिग्री, यानी कि यहाँ का एंगल और यहाँ का एंगल, यहाँ का एंगल और यहाँ का एंगल क्या वापस में जोड़ने से 180 होगा, या फिर यहाँ का एंगल और यहाँ का जोड़ने से क्या वापस में 180 होगा। और साथ ही साथ कि जब डायगोनल हम ड्रॉ कर देंगे, मतलब कि मान लो कि सपोज मतलब क्या, वहां से यहाँ धागा हम खींच दिए तो ये बोर्ड मेरा दो पार्ट में बट गया ना। अब मान लो कि इसको पेंट करने में, आधा भाग को पेंट करने में मान लो हमको एक लीटर रंग लगता है, सपोज हमको आधा भाग को पेंट करने में लगता है कितना रंग जी, 1 लीटर, तो उस आधा भाग जो बच गया है उसको पेंट करने कितना लगेगा हमको, 1 लीटर लगेगा, ठीक है ना। अब तो मान लो पेंट करते गिरा दिया रंगवा तो 2 लीटर लगेगा, अलग बात है वो, अगर तुम नहीं गिराए मान लो तो कितना लगेगा आपका, वो 1 लीटर। अब ये सब प्रॉपर्टी उसमें आ गया ना, अब इसके बाद इस बोर्ड में कुछ अलग प्रॉपर्टी और यहां ये दे रहा है, तब इसका नाम चेंज होगा, फिर पैरेललोग्राम से कुछ नाम और हो जाएगा, ठीक है। जैसे मान लो इसमें क्या हो गया, यहाँ ये देखें कि सर ये सब तो ये था, यहाँ पे ये देखें सर कि यहाँ सभी कोण यहाँ पे 90 डिग्री बन रहा है, इस बोर्ड में है ना जी, सभी कोण कितना बन रहा है यहाँ पे 90 डिग्री बन रहा है, तो इसका कुछ अलग से नाम दे देंगे हम। हम यहाँ ये देखें कि डायगोनल आपस में 90 डिग्री पे बाइसेक्ट कर रहा है, ठीक है। तो ये सारा प्रॉपर्टी आपको दिमाग में बिठा के रखना है, याद रखना आपको, हम पागल नहीं थे जो आपको क्लास 8 या 9 में लिखवाते थे या 7 में लिखवाते थे जो, तो कि ये आपका प्रॉपर्टी आपको दिमाग में रखना होगा। तो पैरेललोग्राम में आपका सिर्फ इतना ही प्रॉपर्टी है, ध्यान रहेगा आपको, ठीक है ना, मिटाएं इसको, चलिए मिटाते हैं।